ओके तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं डेड लॉक, जो डीबीएमएस के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेड लॉक। ठीक है, तो वो किस सिचुएशन में उसको डेड लॉक आ सकता है, ठीक है, उसको किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इस लेक्चर के अंदर हम जानने वाले हैं। तो डेड लॉक मतलब हो क्या होता क्या है वन टाइप ऑफ, तो जो भी आप प्रोसेस डेटाबेस के साथ मतलब डेटा एक्सेस करने के लिए या फिर डेटा को स्टोर करवाने के लिए जो भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है, प्रोसेस को, तो प्रोसेस उस टाइम पे उसको जो रिसोर्स मिलता है वो रिसोर्स को फ्री नहीं करता, या फिर उस रिसोर्स उसको उसे मिल नहीं रहा, तो उस टाइम पे जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसे डेड लॉक बोलते हैं। मतलब वो प्रोसेस है वो वेट ही करता रहता है कि उसे कब रिसोर्स मिलेगा और उसका टास्क वो कब ख़त्म करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे वो प्रोसेस अटक जाती है, मतलब स्टॉप हो जाती है, तो उस प्रोसेस को यहाँ पे डेड लॉक बोला जाता है। तो यहाँ पे डेड लॉक एग्जैक्टली होता क्या है, उसके कितने तरीके रहते हैं, ठीक है, और उसको किस तरीके से रिमूव किया जाता है उस सिचुएशन को, ठीक है, ट्रांजेक्शन के टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले। तो डेडलॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कि डेडलॉक की डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या होती है और उसकी सिचुएशन किस तरीके से होती है, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं कि डेडलॉक क्या है डीबीएमएस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डेडलॉक इज अ कंडीशन वेयर इन टू और मोर टास्क आर वेटिंग फॉर ईच अदर एंड इन ऑर्डर टू फिनिश, मतलब जब पहला टास्क खत्म होगा, जब पहली प्रोसेस आपकी खत्म होगी, ठीक है, खत्म कब होगी, जब वो पहले रिसोर्स को फ्री करेगा, तब, मतलब ये प्रोसेस वन आपकी मिली हुई है, ये प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए उसको पहले रिसोर्स चाहिए, पर ये रिसोर्स के अंदर ऑलरेडी कोर ओई और प्रोसेस चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, एक दूसरी प्रोसेस भी है, तो इस रिसोर्स को दूसरी प्रोसेस के साथ कंबाइन करवाना है, पर ये दूसरा रिसोर्स कभी फ्री नहीं हो रहा, तो ये प्रोसेस ही इसको टाइम नहीं दे पा रहा, मतलब ये सिचुएशन पूरी क्या चली जाती है कि एक वेट प्रोसेस में चली जाती है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है, उसी यहाँ पे डेडलॉक बोला जाता है, मतलब ये रिसोर्स कभी भी फ्री नहीं होने वाला, तो ये भी नहीं होने वाला फ्री रिसोर्स टू, तो रिसोर्स टू या वन दोनों में से कोई भी फ्री नहीं होगा, तो प्रोसेस वन और प्रोसेस टू को कभी भी टाइम ही नहीं मिलेगा, कभी टाइम नहीं मिलेगा, तो ये प्रोसेस को डेडलॉक बोला जाए, मतलब ये एक इन्फिनिटी में चली जाती है, उसे यहाँ पे डेडलॉक बोला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे वो लिखा है कि बट नन ऑफ द टास्क विलिंग टू गिव अप द रिसोर्स, मतलब दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस अपना टास्क खत्म करने के लिए उसे छोड़ नहीं रही है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को यहाँ पे डेडलॉक बोला जाता है। इन दिस सिचुएशन नो टास्क इवर गेट फिनिश, मतलब इसमें से कोई भी प्रोसेस आपकी खत्म नहीं होगी, कोई भी टास्क आपका खत्म नहीं होगा, वो जो भी प्रोसेस सारी रहती है वो सारी वेटिंग प्रोसेस में चली जाती है फॉर एवर के लिए, ठीक है, तो इस सिचुएशन को यहाँ पे डेडलॉक बोला गया है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी गई है कि डेडलॉक एग्जैक्टली होता क्या है, किस वे से आपको प्रेजेंट करना होता है, किस तरीके से वो बिगिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ कि प्रोसेस पी वन होल्ड रिसोर्स आर टू, मतलब आपकी जो पी वन प्रोसेस है, मतलब ये पी वन है, उसने रिसोर्स टू को रोका हुआ है एंड रिक्वायर एंड आर टू, मतलब जो आर टू प्रोसेस है उसको रिक्वायर किया हुआ है प्रोसेस टू ने, ठीक है। तो ये दूसरी एक दूसरे के साथ सारी सारी की सारी प्रोसेस एक दूसरे के फॉर्म में होल्ड के फॉर्म में है और वेट के फॉर्म में चली जाती है, ठीक है। तो जो फॉर एवर वेट वेटिंग में चली जाती है, वेटिंग स्टेट में, उसे यहाँ पे डेडलॉक सिचुएशन बोला गया है, ठीक है। अब इस डेडलॉक किस किस सिचुएशन में आ सकती है, उसके भी बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे नीचे दिए गए, उसे यहाँ पे कॉफमैन कंडीशन बोला जाता है, मतलब कॉफमैन कंडीशन के अंदर चार तरीके के डेडलॉक को मेंशन किया गया है, ठीक है, वो आपको ना यहाँ पे नीचे दिया गया, उसकी प्रोसेस हम समझते भी कॉफमैन कंडीशन होती क्या एग्जैक्टली। तो कॉफमैन स्टार्टेड अ फोर कंडीशन फॉर अ डेडलॉक अकरेंस, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी डेडलॉक आए तो उसको चार पार्ट्स के अंदर उसने अलग किया हुआ है। तो डेडलॉक में भी अकर इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड ट्रू, मतलब ये सारी कंडीशन आपकी नीचे की सारी कंडीशन ट्रू हो रही है तभी आपकी डेडलॉक कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो पहली प्रोसेस यहाँ पे है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन, ठीक है,
उसके अंदर दिया गया है देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन रिसोर्स, मतलब उसके पास एटलीस्ट एक रिसोर्स तो होगा ही, दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय मोर देन वन प्रोसेस एट टाइम, जो एक से ज़्यादा कभी भी प्रोसेस एक टाइम पे नहीं करता, मतलब उसके पास ऑलवेज एक रिसोर्स के पास एक ही प्रोसेस रहेगी, एक से ज़्यादा प्रोसेस उसके पास कहीं नहीं होती, कभी नहीं होती, तो उसे यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि होल्ड एंड वेट कंडीशन। तो होल्ड मतलब क्या हो जाता है कि अगर वो प्रोसेस रिसोर्स के पास ऑलरेडी प्रोसेस है तो दूसरी प्रोसेस उसके पास जो आ रही है उसे वो होल्ड में डाल देगा, मतलब वेट में डाल देगा, तो उस कंडीशन को यहाँ पे कहा जाता है होल्ड एंड वेट कंडीशन। उसके बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है कि द प्रोसेस दैट इज होल्डिंग अ रिसोर्स कैन रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल रिसोर्स, मतलब वो रिक्वेस्ट करता है कि एडिशनल मतलब अलग अगर कोई प्रोसेस चल रही है, ठीक है, उस प्रोसेस के पास रिसोर्स सही से नहीं हो रहा है, सही से नहीं है उसके पास, तो वो अलग से रिसोर्स की डिमांड करता है। तो उस प्रोसेस के अंदर वो जो सिचुएशन आती है उसे यहाँ पे बोला जाता है वेट एंड होल्ड कंडीशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रोसीजर है कि नो प्रिम्पशन कंडीशन, मतलब रिसोर्स कैन बी फोर्सफुली टेकन फ्रॉम अ प्रोसेस, मतलब जो दूसरी प्रोसेस रहती है वो क्या करती है कि फोर्सफुली जो पहली पहला रिसोर्स है उसको टेक कर लेता है, मतलब ओवरटेक कर लेता है। ठीक है, मतलब पहली प्रोसेस आपकी ख़त्म नहीं हुई, वो प्रोसेस ख़त्म होने में अभी बाकी है, पर दूसरी प्रोसेस क्या कर लेती है, उसकी जो बेत बाद में वेटिंग कर रही है वो फोर्सफुली उस रिसोर्स को एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन होती है, ठीक है, क्रिएट होती है, उसे नो प्रिम्पशन बोला जा रहा है, मतलब पहली प्रोसेस तो आपकी ख़त्म है, नहीं हुई है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो हुआ ही नहीं, तो दूसरा ट्रांजेक्शन कभी होने वाला नहीं है, तो इस प्रोसेस को यहाँ पे नो प्रिम्पशन बोला जाता है। फिर एक ही सर्कुलर वेट कंडीशन, मतलब ये कंडीशन होती है उसके अंदर ही हमारी मेनली डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो इसके बारे में डीपली यहाँ पे बताया गया है। द कंडीशन वेयर वन प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स दैट इज बींग हेल्ड बाई सेकेंड प्रोसेस एंड सेकेंड प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अ थर्ड प्रोसेस सो ऑन एंड द लेटेस्ट प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द फर्स्ट प्रोसेस, मतलब ये साइकिल के फॉर्म में एक दूसरे के वेट के लिए, मतलब एक दूसरा रिसोर्स जब भी फ्री होगा तभी वो सारी प्रोसेस चालू होगी, तो सब एक दूसरे के लिए वेट ही कर रहे हैं, तो ये जो सर्कुलर चेन बनती है वेटिंग प्रोसेस में उसी यहाँ पे बोला जाता है सर्कुलर वेट कंडीशन, मतलब जब भी ये चारों प्रोसीजर किसी भी कंडीशन के अंदर में किसी भी डेडलॉक के अंदर होती है तभी इसे यहाँ पे कॉफमैन कंडीशन बोला जाता है और चारों की मदद से यहाँ पे डेडलॉक अकर होता है। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन एग्जैक्टली होता कैसे है, ठीक है, उसके बारे में हम चारों के बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं ताकि आपको डेडलॉक के अंदर कौन कौन सी टाइप्स आते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले हम चलते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन होती क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दिया गया है कि यहाँ पे आपको एक प्रोसेस एक रिसोर्स को एक प्रोसेस अलॉट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा है कि देयर शुड बी अ रिसोर्स दैट कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एक रिसोर्स को दी गई है। ठीक है, इन द डायग्राम बिलो देयर इज अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स आर वन एंड इट इज हेल्ड बाय प्रोसेस पी वन, मतलब यहाँ पे हमें एक ही रिसोर्स दिया गया है आर वन और उसको एक ही प्रोसेस के द्वारा अलोकेट मतलब होल्ड किया गया, मतलब जो रिसोर्स हमारा है, ठीक है, उसके अंदर प्रोसेस हमारी पी वन नाम की चल रही है, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, ठीक है, तब तक ये दूसरी प्रोसेस रिसोर्स को नहीं मिलती, मतलब रिसोर्स है तब तक वो वेट करता है जब तक इसको दूसरी कोई प्रोसेस पी वन पी टू नहीं मिलती, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि होल्ड एंड वेट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको एक डायग्राम के अंदर दिया गया है कि हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस पी वन है उसको एक रिसोर्स दिया गया था आर वन और उसी को सेम टाइम पर रिसोर्स टू भी दिया गया है, क्यों, क्योंकि सेम टाइम पर उसको जो रिसोर्स दिया गया है उसके अंदर उसकी प्रोसेस सही से नहीं आ रही है, मतलब एक अलग से उसको रिसोर्स देना पड़ेगा, मतलब आर टू नाम का मैंने उसको
वापिस से दूसरा रिसोर्स अलोकेट करवाया। अब इस सिचुएशन के अंदर वो कौन सा रिसोर्स को पहले फ्री करता है, ठीक है, तो उसके बाद ही क्या करता है कि रिसोर्स थ्री को वो प्रोसेस आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है कि वन टाइप ऑफ एक चेनिंग बनती है, पर कौन से रिसोर्स को वो कंप्लीट करेगा पहले वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ को यहाँ पे क्या बोलते हैं, होल्ड एंड वेट। तो यहाँ पे लिखा गया द प्रोसेस कैन होल्ड मल्टीपल रिसोर्स एंड स्टिल रिक्वेस्ट फॉर मोर रिसोर्स फ्रॉम अदर प्रोसेस विच आर होल्डिंग देम। मतलब जो भी अदर प्रोसेस उसको होल्ड करके बैठी हुई है, उसको प्रोसेस करने के लिए और उसको रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन को यहाँ पे कहा जाता है होल्ड एंड वेट, ठीक है। इन द डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है कि प्रोसेस P1, मतलब ये आपकी P1 प्रोसेस है, उसने दो रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, R1 एंड R2, एंड इज रिक्वेस्टिंग रिसोर्स दी, मतलब वो एक और तीसरे रिसोर्स की भी डिमांड कर रहा है अभी, ठीक है। एंड एंड तीसरा रिसोर्स जो हमारे पास है उसको हेल्ड किया हुआ है प्रोसेस टू ने। तो प्रोसेस टू जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक वो रिसोर्स हम प्रोसेस P1 को नहीं दे सकते। तो इस सिचुएशन को यहाँ पे होल्ड एंड वेट कहा जाता है, ठीक है। अब तीसरी प्रोसेस हमारे पास है कि नो प्रिम्पशन, मतलब रिसोर्स कैन नॉट बी प्रिम्प्टेड फ्रॉम प्रोसेस बाय फोर्स। मतलब फोर्सफुली पहली प्रोसेस हमारी जो है उसको, जो प्रोसेस हमारी फर्स्ट वाली चल रही है, ठीक है, उसको रिसोर्स दिया गया है R1 और उसको और एक रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो P1 प्रोसेस फोर्सफुली रिसोर्स थ्री को यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो फोर्सफुली उस रिसोर्स थ्री को यूज़ करता है तो इस प्रोसेस को यहाँ पे नो प्रिम्पशन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि प्रोसेस टू तो ख़त्म ही नहीं हुआ, उसको अलॉट किया गया, पर प्रोसेस टू तो रिसोर्स थ्री के द्वारा ख़त्म ही नहीं हुई है, तो वो कहाँ इस सिचुएशन को, और वो ऑटोमेटिकली चला जाता है प्रोसेस P1 के पास। तो इस सिचुएशन को यहाँ पे प्रिम्पशन बोला जाता है, मतलब वो प्रोसेस, पहली प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई है, प्री प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई है, दूसरी प्रोसेस को वो रिसोर्स अलोकेट हो जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस कैन ओनली रिलीज अ रिसोर्स वल्नरेबिलिटी, ठीक है, जबकि जब तक हमारी प्रोसेस P2 है वो ख़त्म नहीं हो जाती, उसके अंदर कुछ भी डेटा रहता है, तो वो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी कहा जाता है उसे, मतलब उसके अंदर डेटा अभी भी मॉडिफाई हो रहा है। फिर यहाँ पे लिखा है द इन द डायग्राम प्रोसेस P1 कैन नॉट प्रिंट रिसोर्स R3, मतलब प्रोसेस P1 है, ठीक है, वो प्रोसेस रिसोर्स थ्री को यूज़ नहीं कर सकता फ्रॉम प्रोसेस टू, मतलब उसकी प्रोसेस P2 के पास अभी भी चल रही है। इट विल ओनली बी रिलीज व्हेन P2 रिलीजेस इट प्रोसेस आफ्टर इट एग्जीक्यूशन इज कम्प्लीट। जब तक उसकी P2 की प्रोसेस कम्प्लीट नहीं होती रिसोर्स थ्री के द्वारा, तब तक वो रिसोर्स थ्री प्रोसेस वन को, P1 को नहीं मिलेगा। अगर वो फोर्सफुली उसको यूज कर सकता है तो उसे यहाँ पे नो प्रिम्पशन बोला जाए, मतलब P2 की प्रोसेस तो खत्म ही नहीं होती और वो रिसोर्स P1 को मिल गया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को यहाँ पे बोला जाता है नो प्रिम्पशन। उसके बाद आ जाता है कि सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट मतलब क्या होता है कि सर्कुलर अ प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय सेकंड प्रोसेस। अ प्रोसेस इज वेटिंग फॉर रिसोर्स, मतलब जो भी प्रोसेस आपको दी गई है वो एक रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, ठीक है, और वो रिसोर्स सेकंड प्रोसेस के द्वारा हेल्ड किया गया है, ठीक है। तो एक प्रोसेस है वो वेट कर रही है रिसोर्स के लिए और दूसरी प्रोसेस क्या हो रही है, उस रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। फिर विच इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द थर्ड प्रोसेस, मतलब ये हमारी जो प्रोसेस पड़ी हुई है वो थर्ड प्रोसेस के द्वारा, उसको रिसोर्स के द्वारा होल्ड किया गया है। टिल द लास्ट प्रोसेस, जब तक हमारी लास्ट प्रोसेस ख़त्म नहीं होती रिसोर्सेज के द्वारा, ठीक है, और उस रिसोर्स को वापस से वो फर्स्ट प्रोसेस को नहीं देता, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन हमारी किस फॉर्म में चली जाती है, सर्कुलर वेट के फॉर्म में चली जाती है। मतलब ये सारे के सारे रिसोर्स और प्रोसेस एक दूसरे की वेट ही करते रहते हैं और जो सर्कुलर फॉर्म बनता है उसे यहाँ पे
सर्कुलर चेन भी कहा जाता है, जो भी हमारी प्रोसेस यहाँ पे डेडलॉक के फॉर्म में अकर होती है, ठीक है, उसे यहाँ पे बोला जाता है सर्कुलर चेन। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है कि प्रोसेस P1 इज अलोकेटेड रिसोर्स R1, मतलब प्रोसेस P1 हमारी जो प्रोसेस है वो रिसोर्स R1 के थ्रू अलोकेटेड की गई है, एंड इट इज रिक्वेस्टिंग रिसोर्स R2, और ऑल्सो रिक्वेस्टिंग रिसोर्स टू के लिए भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब डिमांड कर रहा है मुझे ये रिसोर्स की भी ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो इस सिचुएशन को यहाँ पे सर्कुलर वेट कहा जाता है, मतलब वो एक लूप के अंदर चली जाती है, मतलब जब तक वो एक प्रोसेस ख़त्म नहीं होती तब तक वो दूसरी रिसोर्स को फ्री नहीं करता, वो दूसरी रिसोर्स जब तक उसकी टास्क ख़त्म नहीं करता तब तक वो दूसरी प्रोसेस को डेटा नहीं दे सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे सर्कुलर वेट भी कहा जाता है। तो इस चार तरीके से डेडलॉक को हम देख सकते हैं भाई, इस तरीके से डेडलॉक अकर हो सकता है, और उसे यहाँ पे बोला जाता है कफमैन कंडीशन। ठीक है, तो कफमैन कंडीशन यहाँ पे चार तरीके से होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट कंडीशन। ठीक है, तो चारों के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। और ज़्यादा आपको इसके बारे में इंक्वायरी चाहिए तो नेट पर से आप अच्छे से उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट ही समझना होता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि डेडलॉक होता क्या एग्जैक्टली। अब डेडलॉक आ तो रहा है, पर इसको अब दूर करने के लिए, मतलब रिमूव करने के लिए, उन लोगों ने पहले तो डेडलॉक फाइंड करना, उसकी एल्गोरिदम लिखनी पड़ती है। तो डेडलॉक कहाँ पे आया और किस तरीके से आया है उसको फाइंड करने के लिए उसकी टेक्निक को यहाँ पे बोला जाता है डेडलॉक डिटेक्शन। ठीक है, तो डेडलॉक डिटेक्शन यहाँ पे दो तरीके से दिया गया है, डेडलॉक या आने ही न दो, ठीक है, आने ही मत दो, ऐसा एल्गोरिदम आप बनाओ, या फिर दूसरा डेडलॉक आ रहा है, प्रोसेस आ रही है, तो उसको किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, तो उसके भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते भाई डेडलॉक डिटेक्शन किस तरीके से वर्क होता है, उसके अंदर फिर कितने पार्ट है उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रिसोर्स शेड्यूलर कैन डिटेक्ट अ डेडलॉक, मतलब जो भी जिस प्रोसेस को या जिस रिसोर्स को काम दिया गया है, जो प्रोसेस दी गई है, अगर वो प्रोसेस उस टाइम पे ख़त्म नहीं हो रही है तो क्या होता है कि एक शेड्यूलर होता है जो डिटेक्ट करता है कि वो प्रोसेस अगर ख़त्म नहीं हो रही है तो उसको वो डेडलॉक के अंदर ऐड कर देगा, मतलब वो शेड्यूलर डिटेक्ट कर लेगा कि ये सिचुएशन, ये प्रोसेस है हमारी डेडलॉक के अंदर जाने वाली है। ठीक है, वो ट्रैक कर लेता है। तो यहाँ पे लिखा होता है रिसोर्स शेड्यूलर, मतलब रिसोर्स के अंदर जो भी शेड्यूल किया गई हो, प्रोसेस शेड्यूल की गई है उस टाइम पे ख़त्म नहीं हो रही है, तो उस प्रोसेस को वो एज अ डेडलॉक डिटेक्ट कर लेगा, एंड इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल रीजन, मतलब उसके बाद जो भी रिसोर्स है उसके सारे के सारे रिकॉर्ड वो अपने पास रखता है। डेटा आर अलोकेटेड टू डिफरेंट प्रोसेस, मतलब जो भी प्रोसेस के पास उस रिसोर्स को भेजा गया है, ठीक है, उसके सारे के सारे रिकॉर्ड ट्रैक अपने पास रखता है। और आफ्टर अ डेडलॉक इज डिटेक्टेड, मतलब जब भी डेडलॉक यहाँ पे मालूम पड़ता है कि आया है, तो इट कैन बी रिसॉल्व यूजिंग द फॉलोइंग मेथड, मतलब इसको दो तरीके से रिमूव किया जा सकता है। तो उसकी दोनों तरीके यहाँ पे दिए गए हैं कि डेडलॉक प्रिवेंशन और दूसरा है डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है, तो डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर होता क्या है, तो ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन डेडलॉक आर टर्मिनेटेड, मतलब डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर जो भी प्रोसेस डेडलॉक के अंदर जा रही है वो सारी की सारी टर्मिनेट की गई है, मतलब टर्मिनेट हो जाती है ऑटोमेटिकली अगर वो डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर गया है तो। दिस इज नॉट गुड अप्रोच एज ऑल द प्रोग्रेस मेड बाय द प्रोसेस इज डिस्टर्ब, मतलब जो भी अभी तक की प्रोसेस हुई है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, मतलब वो फर्स्ट से उसे सारी प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ती है, मतलब समथिंग 1-2 मिनट का टास्क, उसका जो रिसोर्स और शेड्यूल और जो भी प्रोसेस उसको मिली है वो सारी की सारी उसकी रिस्टार्ट हो जाएगी सारी प्रोसेस। तो उसे यहाँ पे ये जो डेडलॉक है हमारा, डेडलॉक प्रिवेंशन, वो गुड अप्रोच नहीं है, ठीक है, डेडलॉक को रिमूव करने के लिए। और दूसरी प्रोसेस हमें दी गई है डेडलॉक अवॉइडेंस,
तो डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर क्या होता है, तो रिसोर्स कैन बी प्रिम्प्टेड फ्रॉम सम प्रोसेस एंड गिवन टू अदर्स टिल द डेडलॉक इज रिसॉल्व। मतलब डेडलॉक जब तक खत्म नहीं होता तब तक उस प्रोसेस को किसी दूसरे रिसोर्स को दिया गया है, मतलब उस प्रोसेस को दूसरे रिसोर्स को दिया जाता है, जिसकी मदद से हमारा जो भी प्रोसेस है वो वेट में भी नहीं जाता और उस प्रोसेस को टाइम पे ख़त्म भी किया जा सकता है। मतलब डेडलॉक जब भी आया है तो उसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है रिसोल्व करने के लिए, ठीक है। और उस रिसोर्स के अंदर जो भी प्रोसेस आ रही है, ठीक है, उसको डाइवर्ट किया जाता है दूसरे प्रोसेस, मतलब दूसरे रिसोर्स के पास, ठीक है, ताकि हमारी जो डेडलॉक की सिचुएशन आती है वो रिसोल्व भी हो जाए और हमारी प्रोसेस के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है वो भी डिले ना हो, ठीक है। तो डेडलॉक अवॉइडेंस ज़्यादा बेटर है डेडलॉक प्रिवेंशन से, ठीक है। अब डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर भी दो टाइप्स दिए गए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो डेडलॉक प्रिवेंशन कब आता है और उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे दो प्रोसीजर आपको दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है कि डेडलॉक प्रिवेंशन, इट इज़ इम्परेटिव टू प्रिवेंट अ डेडलॉक बिफोर इट कैन अकर। मतलब जब भी हमारी डेडलॉक की सिचुएशन आती है, ठीक है, उससे पहले ही डेडलॉक के अंदर इस प्रिवेंशन को पता चल जाता है कि डेडलॉक अभी इस सिचुएशन के अंदर आया है तो उसको किस तरीके से रिमूव किया जाता है, ठीक है। फिर एक कि जो जो सिस्टम रिगोरसली हमारी जो भी सिचुएशन है और जो भी हमारी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन चल रही है उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया जाए। मतलब जो भी हमारी टास्क है और रीड होती है उसके अंदर ट्रांजेक्शन से माइनस होती है और वापस वो हमारे ट्रांजेक्शन की मदद से राइट हो जाती है, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उसके में से डेटा माइनस होता है और परमानेंटली जिसके अंदर भी हमें ट्रांसफ़र करना होता है उसके अंदर वापस से वो डेटा रीड करेगा, उसके अंदर प्लस करेगा और वापस से ऐड कर देगा, ठीक है। तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो ट्रांजेक्शन अगर सही से नहीं हो रही है, कहीं पर भी रुकी हुई है, तो इस सिचुएशन को वो डेडलॉक के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया था कि इफ़ देयर इज़ एन इवन चांस दैट द ट्रांजेक्शन में लीड टू डेडलॉक, मतलब कभी भी हमारी जो भी ट्रांजेक्शन है वो डेडलॉक के अंदर आ रही है, लीड हो रही है, तो इट इज़ नेवर अलाउड टू एग्जीक्यूट, मतलब वो ट्रांजेक्शन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। वहीं से ही वो क्या कर देगा कि वेट प्रोसेस के अंदर चला जाता है, मतलब वो क्या कर देगा जो भी हमारी ट्रांजेक्शन है वहीं से ख़त्म कर देगा और हमें नए तरीके से ट्रांजेक्शन वापस से करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन को यहाँ पे डेडलॉक प्रिवेंशन कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा गया कि देर आर सम डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम डेट आर यूज टाइम स्टैम्प, मतलब वो टाइम का इन ऑर्डर के फॉर्म में यूज़ करता है, जिसकी मदद से अगर वो प्रोसेस वेट के फॉर्म में जा रही है, मतलब वो थोड़ा टाइम ले रही है, ठीक है, 2 या 5 सेकंड से ज़्यादा ले रही है, तो उस सिचुएशन मतलब उस रिसोर्स को वो डाई के अंदर ऐड करवा देगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस है उसकी वेट एंड डाई स्कीम, मतलब जो भी प्रोसेस उसको मिल रही है, ठीक है, उसको डाई के अंदर वो ऐड कर देगा। दूसरी प्रोसेस है यहाँ पे वाउंड एंड वेट, मतलब जो भी डेटा उसको मिला है, जो भी ट्रांजेक्शन उसकी डेडलॉक के अंदर गई हुई है, उसको क्या करेगा वो पहले तो ढूंढेगा भी कहाँ से उसको डेडलॉक अकर हो रहा है, मतलब कौन से ट्रांजेक्शन में, मतलब सेंडर की साइड से हो रहा है या फिर क्लाइंट की साइड से हो रहा है, तो उसको वो पहले फाइंड करेगा और जहाँ पर भी प्रोसेस उसकी डेडलॉक के अंदर जा रही है उसे वो वेट के अंदर डाल देगा। मतलब वाउंड और वेट दूसरा तरीका हमारा है डेडलॉक को प्रिवेंस करने के लिए, वाउंड और वेट, और फर्स्ट है हमारा वेट एंड डाई। ये हमारी डेडलॉक प्रिवेंशन हो जाती है, ठीक है। प्रिवेंशन के अंदर हमारे जो भी डेडलॉक सिचुएशन आती है, जो भी ट्रांजेक्शन आता है, वो सारा डायरेक्टली ख़त्म ही हो जाता है, ठीक है, उसको आगे प्रोसेस वो करने नहीं देता। दूसरा तरीका है हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस, ठीक है, डेडलॉक अवॉइडेंस। तो डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर होता क्या है थी सॉरी, तो भी हमारी प्रोसेस आ रही है, जो भी डेडलॉक हमारा आ रहा है, ठीक है, उसको पहले चेक करता है कि वो डेडलॉक एक्चुअली एग्जैक्टली किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। फिर उसको वो रिसोर्स डाइवर्ट करता है, मतलब वो रिसोर्स अगर वो
उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो वहाँ से जो भी रिसोर्स आ रहा है उस रिसोर्स को डाइवर्ट किया जाता है दूसरे रिसोर्स के पास, ताकि हमारी पुरानी प्रोसेस है वो चलती रहे और हमारी प्रोसेस ख़त्म होने में टाइम ना लगे। ठीक है, और जो प्रोसेस के अंदर, जो रिसोर्स के अंदर डेडलॉक आया है उसे वो रिसोल्व भी करने लगता है द अदर हैंड से। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया था, इट इज़ बेटर टू अवॉइड अ डेडलॉक रादर देन टेक मेजर आफ्टर द डेडलॉक हैज अकर्ड। मतलब जब डेडलॉक हमारे पास आता है तो उसको वो क्या कर लेता है कि नाप लेता है भाई किस तरीके से हमारे पास डेडलॉक आने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करता है कि वेट फॉर अ ग्राफ, मतलब जो भी हमें ग्राफ दिया गया है ठीक है, उसकी मदद से वो डेडलॉक दूर करने की कोशिश करेगा। अगर डेटाबेस के पास बहुत ही कम टाइम रहता है तो उस डेडलॉक को क्या करेगा कि डेडलॉक अवॉइडेंस में से वो डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर डालता है, मतलब वो उस डेडलॉक को ख़त्म ही कर देता है, उसको सॉल्व करने की वो कोशिश नहीं करता। फिर यहाँ पे लिखा गया था दिस इज ओनली यूजफुल फॉर स्मॉलर डेटा, मतलब जब भी आपके पास स्मॉल डेटा रहेगा तभी आप इस तरीके की कॉम्प्लेक्स अवॉइडेंस को यूज कर सकते हो, और लार्ज डेटाबेस के अंदर ऑलवेज डेडलॉक प्रिवेंशन ही चलता है। अगर आपके पास स्मॉल डेटाबेस है तो उसके अंदर ही वो डॉट डेडलॉक अवॉइडेंस की प्रोसेस को हैंडल कर सकता है। बहुत ज़्यादा आपके पास डेटाबेस है तो उसके अंदर आपकी प्रोसेस क्या रहती है कि जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा रहता है उसको वो सिंपली क्विट ही कर देता है। ठीक है, मतलब डेडलॉक प्रिवेंशन ही हो जाता है उसके अंदर। फिर डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर भी वेट फॉर ग्राफ, मतलब जब तक उसको उस रिसोर्स का टाइप नहीं मिलता तब तक उसके लिए वो वेट करता है, तो उसके लिए उन लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस दी गई है, अ वेट फॉर ग्राफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्स एंड ट्रांजेक्शन। मतलब वेट फॉर ग्राफ है वो क्या करता है कि रिसोर्स और ट्रांजेक्शन के बीच में जो भी रिलेशन बन रहा है उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है वो रिसोर्स और ट्रांजेक्शन मेंटेन करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया था इफ ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट रिसोर्स, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स के लिए और वो ऑलरेडी होल्ड किया गया है, इफ इट इज ऑलरेडी होल्ड अ रिसोर्स, और जो रिसोर्स के लिए, जिस रिसोर्स के लिए होल्ड किया गया है, जिसकी डिमांड कर रहा है वो ऑलरेडी होल्ड है। फिर यहाँ पे लिखा है कि इट इज विजिबल एज एन एज ऑन द वेट फॉर ग्राफ, मतलब वो खत्म होने के टाइम पे जब इसकी प्रोसेस, जो फर्स्ट प्रोसेस है वो खत्म होने के टाइम पे उसकी जो एज होती है वो ग्राफ में अंदर सेकंड प्रोसेस को दी जाती है। इफ वेट फॉर ग्राफ कंटेन अ साइकिल, मतलब ये वेट फॉर ग्राफ है वो एक साइकिल मेंटेन करता है। ठीक है, देन देर में बी अ डेडलॉक इन सिस्टम, तब वहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन आ सकती है या फिर नहीं भी आ सकती है, अगर वो इस साइकिल को फॉलो करेगा तब, जो हमें नीचे यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या गया दिया गया है कि वेट्स फॉर अ लॉक ए और ट्रांजेक्शन T1। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे दिया गया है ट्रांजेक्शन T2। तो ट्रांजेक्शन T1 के अंदर यहाँ पे एक लॉक दिया गया है कि जब तक ये लॉक ये खत्म नहीं होता तब तक ये ट्रांजेक्शन टू के अंदर नहीं जाता, मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन जब तक खत्म नहीं होती तब तक वो ट्रांजेक्शन टू को, T2 को स्टार्ट नहीं करेगा, और T2 के पास ऑलरेडी कोई प्रोसेस ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो वो भी क्या है कि एक लॉक मोड के अंदर है, जब तक ये ट्रांजेक्शन T2 खत्म नहीं होती तब तक ये लॉक भी है ट्रांजेक्शन T1 को नहीं मिलेगा। तो ये एक ग्राफ साइकिल के अंदर, वेट और ग्राफ साइकिल के अंदर चली जाती है। वेट और ग्राफ साइकिल के अंदर जाने के बाद ये डेडलॉक की सिचुएशन में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो ये हमारी डेटाबेस पे डिपेंड करता है भाई ये सिचुएशन आ सकती है कि नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ये अवॉइडेंस के टाइप थे। और दूसरा तरीका उसका था कि इग्नोर डेडलॉक, मतलब डेडलॉक जब भी आएगा तो उसको क्या कर देगा कि सिंपली इग्नोर करेगा, तो उस एल्गोरिदम को यहाँ पे कहा जाता है ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया द ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम मीन्स दैट द डेडलॉक इज सिंपली इग्नोर, मतलब जब भी डेडलॉक ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम के अंदर आता है तो उसको क्या कर देता है कि सिंपली इग्नोर करता है। इट इज अज्यूम दैट इट विल नेवर बी अकर, मतलब ये कभी भी डेडलॉक इसके अंदर आया ही नहीं है, मतलब हुआ ही नहीं है,
इस तरीके की वो सिचुएशन क्रिएट करता है। दिस इज डन बिकॉज इन सम सिस्टम द कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक इज मच हायर देन द सिंपल इग्नोरिंग इट। मतलब डेडलॉक के अंदर, किसी सिचुएशन के अंदर डेडलॉक को हैंडल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जबकि उसको इग्नोर करने के लिए ऐसी सिचुएशन बहुत ही रेयर केस में आती है। ज़्यादातर तो उसको हैंडल ही करना पड़ता है कि किस तरीके से डेडलॉक को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी ट्रांजेक्शन वहाँ पे बीच में रुकी हुई होती है, उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना होता है। अगर वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो तो बीच में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है किसी दूसरे ट्रांजेक्शन के अंदर, ठीक है। और इग्नोरिंग, जो डेडलॉक इग्नोर है, वो बहुत ही रेयर केस के अंदर आ सकता है, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन बहुत ही स्मॉल होती है या फिर उसके अंदर बहुत ही कम डेटा रहता है, ठीक है, तभी उसी टाइम पे वो इग्नोर डेडलॉक हो सकता है। और उस एल्गोरिदम को यहाँ पे ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम के नाम पे कहा जाता है, बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बारे में यहाँ पे है कि जो सो इट इज़ सिंपली अज्यूम डेट द डेडलॉक विल नेवर अकर। मतलब ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम के अंदर बहुत ही रेयर केस में ये सिचुएशन आती है, इसलिए उसको यहाँ पे डेडलॉक आता ही नहीं है, इस तरीके से बोला जाता है। एंड सिस्टम इज रिबूटेड। अब अगर वो आ भी गया है, डेडलॉक आ रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम के अंदर, तो वो सिस्टम को ऑटोमेटिकली रिबूटेड कर देगा। मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने की है वो सारी की सारी वापस रिपीट हो जाएगी, मतलब वो वापस आपको आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे डेडलॉक के टाइप्स थे, ठीक है। तो डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर भी दो टाइप थे, वेट फॉर ग्राफ और दूसरा था इग्नोर डेडलॉक। और प्रिवेंशन के अंदर भी दो टाइप्स थे, वेट एंड डाई, वाउंड एंड वेट स्कीम। तो ये डेडलॉक को डिटेक्शन के टाइम पे हमें डेडलॉक डिटेक्शन इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, और इस तरीके से हम उसे रिमूव कर सकते हैं या फिर हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। डेडलॉक किस किस तरीके से आ सकता है वो यहाँ पे हमने पढ़ा। तो ये डेडलॉक का टॉपिक था जो डीबीएमएस के अंदर बहुत ही यूज़ होने वाला है, ठीक है। आगे इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको और डिटेल में जानना हो तो आप कहीं पर ही ट्यूटोरियल में से आप उसके बारे में खुद से जान सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको डेडलॉक के बारे में बता दिया, वो किस किस तरीके से आता है, उसको डिटेक्ट किस तरीके से किया जाता है, रिसोल्व किस तरीके से किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस आती है, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो अब इसके बारे में और डिटेल आपको जानना है तो आप खुद से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, थैंक यू।